हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डाई डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूँ फास्ट ट्रैक ट्रैक जो मैंने भी लगा लिया है अपने गाड़ी में। तो फास्ट ट्रैक क्या है और सारी डिटेल्स, इसमें कुछ लोगों को डाउट्स थे। डाउट्स मतलब कुछ वो जानना चाहते हैं कि जैसे अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और टैग मतलब हमारा टोल आता है और हमने जाना और आना है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम उनको बताते हैं कि हमने टू वे जाना है, तो वो आपका कुछ डिस्काउंट मिल जाता है आपको। यानी अगर 35 रुपये एक साइड के हैं तो वापसी में वो अगर 35 नहीं लगेंगे, उसमें कुछ कट के लगेंगे, यानी वो फिर कहते हैं आने जाने का इकट्ठा ले लें 50 रुपये में। तो वो फास्टैग में वो चीज़ कैसे होती है, वो काफ़ी लोगों को डाउट है, या अगर पता तो ठीक है, मेरे को पहले डाउट था तो मुझे पता लग गया है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में 1 दिसंबर से ये कंपलसरी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली फास्टैग आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने पेटीएम बैंक से लिया है, एयरटेल वाले बैंक वाले भी दे रहे हैं, काफ़ी लोग दे रहे हैं, तो कहीं से भी आप फास्टैग ले लें। तो फास्टैग लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो भी वॉलेट से ले रहे हैं, जैसे मैंने पेटीएम से लिया है, तो ये खोलना है, इसके अंदर से एक स्टिकर निकलेगा फास्टैग का, वो अपने गाड़ी में लगाना है। कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर आपका वो मिरर होता है पीछे देखने वाला, उसके बिल्कुल बैक साइड पर आपने लगाना है। तो ये सिंपल सी इंस्टॉलेशन है। इसके बाद आपका जो है, अब जैसे मैंने पेटीएम से लिया है, तो इसमें आपका पेटीएम वाला हमने ऐप खोलना है मोबाइल में, और वहाँ से उसको उसका जो वॉलेट है उसमें जितने पैसे हैं वो इसमें यूज़ हो जाएंगे, तो वहाँ से आपके पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे। जब आपका बैलेंस कम हो जाए फिर पेटीएम वॉलेट में पैसे डाल दो। तो ये तो हो गया कि इसको रिचार्ज कैसे करना है। अगर आपने एयरटेल बैंक से लिया तो एयरटेल बैंक को रिचार्ज करें, अगर आप पेटीएम बैंक से लिया पेटीएम को रिचार्ज करें, जहाँ से भी आपने लिया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज हैं, जिस भी सोर्स से आप लेते हैं उसकी पर्टिकुलर ऐप है, उस ऐप में आपको पैसे डाल के रखने हैं ताकि आपका फास्टैग जो है चार्ज रहे, मतलब उसमें पैसे रहें, प्रीपेड है ना, क्योंकि तो जितने पैसे डालेंगे, मैं 500-1000 रुपया डाल के रखता हूँ जब भी मुझे कहीं जाना पड़ता है, तो अपने आप वो कट जाते हैं। अब नंबर टू, इंस्टॉल आपने कर लिया, रिचार्ज का आपको पता लग गया। अब नेक्स्ट क्या है कि काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, ये आपको अभी मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि किस तरह से ये काम करता है। बेसिकली जब आप इसको लगाया होता है ऑटोमेटिकली कहीं जा रहे हैं, और जहाँ पर टोल टैक्स आया वहाँ पर आपने, अब तो सारी लेन्स वैसी हो जाएंगी, पहले स्पेसिफिक था फास्टैग वाली लेन अलग होती थी, अब सारी लेन्स 1 दिसंबर से सेम हो जाएंगी। तो जिस भी लेन में जाएंगे उसमें फास्टैग का सेंसर चेक करने के लिए लगा होगा रीडर, तो आपने वहाँ जाना है, वहाँ पर जो बैरिकेड लगा होता है वहाँ तक जैसे ही पहुँचेंगे 1 सेकंड के लिए आपने खड़ना है, उसमें वो आपका टैग को रीड कर लेगा, और बस फिर अपने आप वो खुल जाएगा आपका बैरिकेड और आप वहाँ से निकल जाएं, और फिर आपको SMS में आ जाएगा कि आपके इतने पैसे डिडक्ट हो गए। अब जानने वाली बात क्वेरी यहाँ पर आती है कि मैंने तो टू वे आना है पर पैसे पूरे कट जाते हैं उसमें, तो उसका क्या सलूशन है? तो उसका ये बताने वाला हूँ कि जब भी आप जाएंगे टोल टैक्स से, तो पहली बार जब आप निकलेंगे तो वो आपके पूरे पैसे काटेंगे, यानी वन साइड का पैसा लिया जाएगा। अगर वन साइड के 35 रुपये हैं तो 35 रुपये कटेंगे, अगर वन साइड के 40 रुपये हैं तो 40 रुपये कटेंगे, अगर वन साइड के 50 रुपये हैं तो वन साइड के 50 रुपये ही कटेंगे, क्योंकि मशीन को नहीं पता है कि आपने दोबारा वापस आना है या नहीं, क्यों तो वो इकट्ठे पैसे नहीं काटता, वो एक साइड के ही पैसे काटेगा। अब क्या होगा अगर आपने उसी दिन दोबारा वापस आना है, जैसे मैनुअल में था, ये मैनुअल में तो आप इकट्ठी स्लिप कटवा लेते हैं, इसमें इकट्ठी स्लिप नहीं कटेगी, इसमें पहले एक साइड के पैसे कट गए आपके 35 रुपये। अब सपोज आपने उसी टोल से वापस आना है विद इन जो वही टाइम लिमिट वही है, अगर आप 12 घंटे मतलब उसी दिन में वापस आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे उसी जगह से गुजरेंगे, तब आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड वहाँ पर होगा कि इन्होंने वन साइड के 35 रुपये कटाए हुए हैं, अब ये उसी टाइम फ्रेम में वापस आए हैं, तो अपने आप कंप्यूटर आपके फुल पैसे नहीं काटेगा, जितना आपका बैलेंस है, जैसे अगर 35 जब आने जाने के अगर 50 रुपये हैं और आपके 35 रुपये कट गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कितना बैलेंस बचा आपका, आपको 50 रुपये कटने थे, 35 साइड से कटे, दूसरे साइड से 35 नहीं कटेंगे, तो जितना बैलेंस है 15 रुपये बैलेंस, जो कंबाइंड का 50 रुपये है तो 15 रुपये बैलेंस है, जब वापस आएंगे तो आपके 15 रुपये ही कटेंगे। बेसिकली 1 दिसंबर से सब जगह ये लागू हो जाएगा, तो मैं सोचा वीडियो बनाया जाए इस पे। तो ये आने जाने का मैंने किया था, तो आने जाने में क्या होता है कि जब पहली बार जब आते हैं तो फुल चार्जेस लग जाते हैं, जैसे एक साइड के यहाँ 35 हैं, आने जाने के जैसे 50 हुए, तो एक साइड फुल 35 काट लेगा ये, आने जाने वाला पहले नहीं कटता, लेकिन अब वो हिसाब हो जाएगा, क्योंकि पहले 35 ने फुल काट लिए थे यानी एक साइड के हिसाब से, अब मैं उसी साइड से दोबारा जा रहा हूँ, तो ये अपने आप कम काटेगा वैसे, ताकि वो हिसाब आने जाने वाला हो जाए। तो ये काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ।
तो देखिए एक सेकंड लगता मुश्किल से, नहीं तो कितना गड़बड़ होती थी। तो ये डाउट लोगों में दिमाग में है और मेरे भी था, और जब मैंने यूज़ किया तो मेरा क्लियर हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके फास्टैग में दोनों तरफ से पैसे कटते हैं, इसमें भी कंबाइंड वाला सिस्टम है। सिस्टम ये है कि पहली बार आपका फुल कट जाएगा वन साइड का, सेकंड टाइम जो आप उसी टाइम फ्रेम में अगर वापस आते हैं तो आपके फुल वन साइड के पैसे नहीं लगेंगे, जितना बैलेंस रहा है रह गया है बस उतना ही कटेगा। अगर टू वे का 50 रुपये है तो वो जितना बैलेंस है 15 रुपये रहेगा तो 15 रुपये कटेंगे, अगर टू वे का 55 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ कट जाएंगे। तो इस तरह से आप बेधड़क होकर इसे आप लगवाएं। अब ये चॉइस तो है नहीं, आपको लगवाना ही पड़ेगा। तो वो आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा फास्टैग के लिए। और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं इसको कहूँ तो यस इट इज़ फास्ट, क्योंकि अभी हमारी लेन जो थी वो फास्ट थी, मतलब एक ही थी तो उसमें तो बहुत फास्ट काम हो रहा था क्योंकि फास्टैग वाले कम ही लोग होते थे। अब ये चारों जितनी भी लेंस पे फास्टैग लग जाएगा तो अब उसका एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस। बट यस इसमें टाइम सेव होता है डेफिनेटली, पेट्रोल सेव होता है डेफिनेटली, डीजल भी सेव होता है अगर डीजल कार है तो। ओवरऑल अच्छी प्रोसेस है बट अच्छे से काम किया जाए तो। अब किसी को अब क्या होता है, लोग नया ले लेते हैं वहाँ खड़ जाते हैं जाके, आपको खड़ना नहीं है, कॉन्टीन्यूस चलना है, सिर्फ एक सेकेंड के लिए खड़ना है, बैरिकेड एक सेकंड में आपका कार्ड को फास्टैग को रीड कर लेता है, उसके बाद आपको मूव ऑन कर लेना है। तो फास्टैग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ इसमें रख दें। ये मेरा ड्रोन टेक चैनल है, इसमें मैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ, एंड दिस इज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बिकॉज टेक जो भी मैं यूज़ करता हूँ तो मैं इसमें शेयर करता हूँ ताकि औरों को मदद हो जाए। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।